तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दीघा घाट पर आया हुआ हूँ और आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और देख सकते हैं कि लोग छठ के लिए अपना यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और मैं भी आया हुआ हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ का कुछ माहौल और किस टाइप का मतलब किया जा रहा है यहाँ पे छठ पूजा। और बिहार का मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का द्वार बनाया गया है यहाँ दीघा घाट पे जाने के लिए। और उधर आप देख सकते हैं कि जब आप आएंगे तो दानापुर से आने का रास्ता है और लेफ्ट साइड में जो ये रास्ता है वो आपको आशियाना दीघा मोड़ होते हुए आता है। और देख सकते हैं रोड पे किस तरीके का जाम लगा हुआ है और पुलिस वगैरह रोड क्लियर करा रहा है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं को ये काजी नींबू वगैरह भी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जा रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और चलिए फ्रेंड्स, घाट पे चल के आप सबको दिखाते हैं कि कैसा क्या है हो रहा है। बने रहे इस वीडियो में। और चलिए फ्रेंड्स, कुछ देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी की गई है और ये रात में जब यहाँ शाम हो जाएगा तो यहाँ पे लाइटिंग होगी और काफ़ी अच्छा माहौल होगा यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में। आगे आपको दिखाता हूँ कुछ इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से सजावटें की गई हैं इस दीघा घाट की। देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। देख सकते हैं ये दीघा घाट है और ये जो पुल जाता है ना एम्स की ओर, इसको मतलब पुलिस के द्वारा पार्किंग बना दिया गया है। मतलब ब्रिज ही पे लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और अब यहाँ से पैदल मुझे जाना पड़ेगा घाट पे, तो चलता हूँ पैदल। पॉइंट पे देख सकते हैं कि लोगों को टर्न कर दिया जा रहा है कि मतलब उधर जो छठ के जो भी लोग हैं अपना पैदल जाएंगे और मैं भी पैदल जा रहा हूँ। कुछ देख सकते हैं इस प्रकार, देख सकते हैं घाट के उस पर दियरा साइड भी लोग जाके हैं ना, वहाँ पे अपना वहाँ पे भी लोग हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ के पॉइंट पे मैं पहुँच गया हूँ, मेन पॉइंट यहाँ पे जो अंदर इंटर करने के लिए है और लोग जहाँ पे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं आगे में, तो उधर मैं भी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलिए, काफ़ी भीड़ है मतलब यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा ये कुछ इस टाइप का सुविधा यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई गई है। चकाचक पाटलिपुत्र पाटलिपुल छठ घाट पटना नगर निगम और ये कुछ इस टाइप का द्वार बनाया गया। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। चलिए बने रहिए वीडियो में। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं। और कुछ मॉस टावर भी बनाया गया है वहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मेडिकल कैंप वगैरह भी लगाया गया है NDRF की तरफ, तो मैं देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ चल के। ठीक ना फ्रेंड्स, बने रहिए। मतलब मेला टाइप का लग गया है फ्रेंड्स घाट पे। ये देखिए कुछ कुछ जो मेले में सामान चीज़ें मिलती हैं वो सब चीज़ है। मतलब कुछ घटना वगैरह ना घटे इसके लिए मतलब यहाँ सारी सुविधा की गई है। देखिए सारा मेडिकल कैंप यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखिए कंपाउंडर वगैरह डॉक्टर वगैरह यहाँ पे मतलब मौजूद है। तो चलिए और आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ है घाट पे मतलब सुविधा की गई है, दिखाते हैं चलिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं किस टाइप का यहाँ पे भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है और जो उमंग हर लोगों में है जैसे कि आप देख रहे हैं।
साइड में तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक्सट्रीम भीड़ है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा भीड़ है। देख सकते हैं कि मतलब खतरनाक हर आठ मतलब यहाँ खतरनाक एरिया है ये, मतलब इधर लोगों के लिए नहीं है, इधर टीम इंडिया आरएफ की वगैरह की यहाँ पे उनके लिए ये एरिया बनाया गया है। और ये देख सकते हैं पटना में जो न्यू स्टीमर चल रही थी, शायद वो ये वही स्टीमर है। तो फ्रेंड्स इतना कुछ था इस घाट पे छठ महापर्व की, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कुछ इस टाइप का मतलब व्यवस्था थी यहाँ की और लोग अपना छठ महापर्व बिहार में इस तरीके से मना रहे हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरे फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू। और बीच में नीचे से भी कुछ लोग जा रहे हैं और नीचे से भी आने का रास्ता है इधर, और आप जब मेन रोड से आएंगे तो कुछ ऊपर से आना पड़ेगा आपको। और ये आपको बोरिंग रोड साइड जो होता है ना उधर से ये पाथ है, और ये आपको जेपी सेतु होगा फ्रेंड्स आगे ब्रिज, उधर सोनपुर मुजफ्फरपुर ये सब एरिया है। हेलो